अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सुशिल्ड टीवी। दोस्तों, क्या द फिल्म फास्ट लेन 2021 में अपना रिटर्न करने वाले हैं? क्योंकि केज साइड सीट्स की तरफ से एक हैवी स्पेकुलेशन आई है कि द फिल्म फास्ट लेन में रिटर्न कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको तीन रीजंस बताऊंगा कि क्यों द फिल्म फास्ट लेन में रिटर्न कर सकते हैं। तो चलें बिना देर किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, दोस्तों फास्टलेन पेपर व्यू के लिए WWE ने रैंडी ओर्टन वर्सेस अलेक्सा ब्लिस का एक इंटरजेंडर मैच ऑफिशियल कर दिया है। दोस्तों द फिंड के रिटर्न का एक रीजन ये है कि असल में WWE ने ये मैच रखा ही द फिंड के रिटर्न के लिए है, और हालांकि द फिंड रॉयल रंबल या एलिमिनेशन चैम्बर में भी रिटर्न कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा एनवायरमेंट नहीं होता जो इस मैच के दौरान होगा। इसलिए एक्चुअली WWE ने ये मैच रखा ही इसलिए ताकि एक स्टेज सेट किया जा सके जहाँ पर द फिंड का रिटर्न बिल्कुल लॉजिकल हो, और अगर ये मैच फास्टलेन के मेन इवेंट या मेन इवेंट से जस्ट पहले होता है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी चीज जरूर होने वाली है, और शायद वो बड़ी चीज हो द फिंड का रिटर्न। नंबर 2, दोस्तों अलेक्सा ब्लिस भी वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से द फिंड फास्टलेन में रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि द फिंड और अलेक्सा ब्लिस काफी देर से एक साथ थे, और शायद आपको वो सेगमेंट याद होगा जब रैंडी ओर्टन ने अलेक्सा ब्लिस को उठाया हुआ था तो द फिंड बड़े आराम से चलकर आए और अलेक्सा ब्लिस को लेकर पीछे चले गए ताकि रैंडी ओर्टन अलेक्सा ब्लिस को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन यहां पर तो एक प्रॉपर मैच है और रैंडी ओर्टन अलेक्सा ब्लिस पर जरूर अटैक करेंगे, जिसके नतीजे में द फिंड रिटर्न कर सकते हैं और अलेक्सा ब्लिस को रैंडी ओर्टन से सेव करने के लिए द फिंड का वापस आना एक लॉजिकल थिंग होगी। नंबर 1, दोस्तों द फिंड TLC 2020 के बाद से WWE में दिखाई नहीं दे रहे, और इन्होंने 2021 में एक भी अपीयरेंस नहीं की, लेकिन इसके बावजूद रेसलमेनिया में इनका रैंडी ओर्टन के साथ मैच ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, और इस मैच के बिल्डअप के लिए द फिंड का रिटर्न बहुत जरूरी है, और थैंक्स टू अलेक्सा ब्लिस जिन्होंने इनकी स्टोरी लाइन को संभाले रखा। लेकिन अब द फिंड को रिटर्न करना चाहिए ताकि वो रैंडी ओर्टन के साथ मैच को बिल्डअप कर सकें, और क्योंकि फास्टलेन रेसलमेनिया से पहले आखिरी पेपर व्यू है इसलिए फास्टलेन में द फिंड का रिटर्न हाईली एक्सपेक्टेड है कि वो रिटर्न करेंगे और रेसलमेनिया में रैंडी ओर्टन के खिलाफ मैच को बिल्डअप करेंगे, और रेसलमेनिया में तो इनका रैंडी ओर्टन के साथ गिमिक मैच लॉक कर दिया गया है। सो लेट्स सी कि फास्टलेन में द फिंड रिटर्न करते हैं या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या फास्टलेन में द फिंड रिटर्न करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।